Hello students, hope you all are fine. Students, today's our topic is subject is math and topic is table. आज हम एक नया topic start कर रहे हैं tables. ठीक है, आपने KG class में भी tables किए हैं, एक repetition के लिए आज हम फिर tables कर रहे हैं. ठीक है, तो पहले आपकी general instructions है कि do this work in neat and clean handwriting. एंड वॉच द वीडियो इन ट्यूटोरियल पोर्टल. जो भी हम ये वीडियो बना रहे हैं आप ट्यूटोरियल पोर्टल में जाकर उसे देख सकते हैं. एंड दिस वर्क विल बी सबमिटेड, और ये वर्क जो है आपको सबमिट भी करना है. ठीक है स्टूडेंट, अब आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड एडिशन. रिपीटेड एडिशन मीन्स कि हम अगर किसी चीज़ को बार बार ऐड करते हैं तो उससे उसको रिपीटेड एडिशन बोलते हैं. जैसे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है. ठीक है, तो इस ग्रुप में कितने स्टार्स बने हैं, टू. ग्रुप वन है लेकिन उसमें टू स्टार्स हैं, तो टू को अगर वन वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, टू. तो ये यहाँ पर टू ही रहेगा. ठीक है, एडिशन नहीं है ना अभी, इस सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें टू स्टार्स हैं. ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सेकेंड ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जो है नंबर टू में, तो इसमें टू ग्रुप्स बने हैं, वन टू. और एक ग्रुप में कितने स्टार्स हैं, एक टू टू स्टार्स हैं. यहाँ पर भी टू स्टार्स हैं और यहाँ पर भी टू स्टार्स हैं. अब हम इनको ऐसे काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर, तो ये टू ग्रुप्स कितने बन गए, फोर. यानी कि अगर हम ऐसे एडिशन करते हैं बेटा तो इससे बहुत लंबा होता जाता है. ठीक है, लेकिन अभी आप पहले ये समझिए. अब देखिए हमारे पास ये थ्री नंबर का ग्रुप है, तो इसमें थ्री नंबर पे जो ग्रुप है उसमें कितने ग्रुप्स बने हैं, थ्री. स्टार्स के कितने ग्रुप हैं, वन टू थ्री, और हर हर सेट में टू टू स्टार्स हैं. ठीक है, तो कितने हो गए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से है ना. अब है फोर. ठीक है, ये फोर नंबर का सेट है, इसमें इसमें कितने ग्रुप हैं स्टार्स के, वन टू थ्री फोर. अब इसमें स्टार्स के फोर ग्रुप हैं और हर ग्रुप में हर सेट में टू टू स्टार्स बने हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पर आ जाएगा एट. ठीक है, अब इसी तरह फाइव पे देखिए, फाइव में कितने सेट बने हैं स्टार्स के, वन टू थ्री फोर, थ्री फोर, और यहाँ पर ये फाइव हो गए, फाइव सेट बन जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो वन टू थ्री फोर फाइव. ठीक है, ये फाइव सेट हो गए, तो अब हम इनको काउंट करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये टू स्टार्स में इधर बना दे रही हूँ. ठीक है, टेन. तो जो फाइव नंबर का ग्रुप है उसमें टू टू के कितने टू फाइव सेट्स हैं और हर सेट में टू स्टार्स हैं, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, टेन. ठीक है, इसी तरह से अब नंबर सिक्स में हमारे पास कितने सेट हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स सेट हैं और एक सेट में टू स्टार्स हैं, तो सिक्स सिक्स को इन टू सेट्स को हमने सिक्स टाइम प्लस किया है, एडिशन किया है, तो यहाँ पर कितने बन जाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व. अब समझ में आया आपको, जब हम टू टू के सेट्स में सिक्स बार एडिशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ट्वेल्व. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से एडिशन करेंगे या इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे तो हमें बहुत लंबी लंबी काउंटिंग लंबी लंबी एडिशन करनी पड़ेगी. इसलिए हम इस चीज़ से मतलब इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेबल्स का यूज़ करते हैं ताकि हमें ज़्यादा लंबी एडिशन ना करनी पड़े, तो हम टेबल्स का यूज़ करते हैं. अब टेबल्स में क्या होगा, अब देखिए इसको टेबल्स के में किस तरह से लिखते हैं. जैसे ये फर्स्ट सेट है, फर्स्ट है नंबर वन है, तो उसमें टू टू स्टार्स बने हैं, तो टू वन ज़ा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू वन ज़ा टू. मतलब कि टू को अगर हम वन बार वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू, अगर टू में टू स्टार्स हैं तो वो टू ही रहेंगे. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टू है और यहाँ पर टू टू के दो सेट बने हैं, तो कितने होते हैं टू टू के दो सेट, जैसे टू टू ज़ा, नंबर टू सेट है
और उसमें नंबर टू जो टू है उसमें टू टू स्टार के दो सेट बने हैं, एक सेट में टू स्टार है, दूसरे सेट में भी टू स्टार है। तो हमने क्या किया, टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो टू टू ज़ा कितने आए थे यहाँ पर, फोर। इस तरह से अब देखो, अब हमें इतना लंबा एडिशन नहीं करना पड़ रहा है, हमें सीधे ऐसे ही पता चल जा रहा है। अब यहाँ देखिए ये थ्री है, तो थ्री में हमारे कितने सेट्स हैं, टू टू के, टू टू स्टार्स के कितने सेट हैं, वन टू थ्री, ठीक है। तो हर सेट में टू टू स्टार्स हैं, तो टू थ्री ज़ा टू सेट हैं, टू स्टार्स हैं, और थ्री टाइम हमने उनको ऐड किया है, तो ये टू हो गया, और थ्री टाइम हमने ऐड किया है ना, वन टू थ्री, तो ये थ्री हो गया, ठीक है। तो टू थ्री ज़ा यहाँ पर आ जाएगा सिक्स, है ना स्टूडेंट्स। और फिर अब देखिए नंबर फोर है, तो फोर में कितने सेट हैं, वन टू थ्री फोर, मतलब टू को, टू टू स्टार्स को हमने फोर टाइम ऐड किया है, जैसे ये हो गया टू स्टार्स, ठीक है। और कितनी बार हमने उसको बीच में ऐड किया है, वन टू थ्री फोर, तो मल्टीप्लाई बाय फोर, तो हमने काउंट करके कितना लिखा था, एट, तो टू फोर ज़ा एट, है ना स्टूडेंट्स। अब देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो गई, और यहाँ पर हमें कितना लंबा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था, है ना। अब ऐसे ही नंबर फाइव में है, नंबर फाइव में हमारे कितने सेट्स हैं, टू टू स्टार्स के, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, टू स्टार के फाइव सेट्स हैं, तो टू स्टार्स और फाइव सेट्स, तो हमने काउंट करके क्या आया था हमारे पास, टेन, तो टू फाइव ज़ा टेन, है ना स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर पे कितने सेट हैं हमारे पास स्टार्स के, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये देखिए टू सेट्स के स्टार, टू स्टार का सेट, और सिक्स टाइम हमने उसको ऐड किया है, तो हमारे पास टोटल कितने आए थे स्टार्स काउंट करके, ट्वेल्व, तो हमने यहाँ लिख दिया ट्वेल्व, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम टेबल्स को, अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। अगर हम ऐसे ही आगे सेवन एट नाइन टेन करते हैं, तो हमें सेवन सेट्स बनाने पड़ेंगे टू टू स्टार्स के, तो हमारी कैलकुलेशन और लंबी जाएगी। फिर हम एट सेट्स बनाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन और लंबी जाएगी। नाइन बनाएंगे तो और टेन बनाएंगे तो, और इसी तरह अगर इलेवन सेट्स बनाएंगे, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी 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 होती चली जाएगी। जहाँ देखो पहले छोटी है, फिर उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ही वो कैलकुलेशन हमारी बढ़ती चली जाती है। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए, इस लंबी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेबल्स का। तो आज हमारा जो टेबल है, फर्स्ट टेबल है, वो है टू का टेबल। तो आपने केजी क्लास में टू का टेबल किया है, और अब हम यहाँ पर भी आपको टू का टेबल एक रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि हम ये टू वन ज़ा टू टू ज़ा किस लिए करते हैं, कि टू वन ज़ा मतलब टू को अगर वन टाइम प्लस करेंगे तो टू ही आएगा, और टू को टू टू के सेट को टू बार प्लस करेंगे तो फोर आएगा, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि यहाँ पर, इसलिए इसको रिपीटेड एडिशन भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए टू का टेबल कैसे आपको लिखना है। टी ओ के कॉन्सेप्ट में आपको लिखना है, सबसे पहले आपको टी ओ लिखना है, फिर देन लीव वन बॉक्स, अगेन टी ओ, टी ओ का आपको पता ही है, टी ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस, ठीक है। और बीच में वन बॉक्स को छोड़ेंगे, फिर टी ओ लिखेंगे, फिर वन बॉक्स छोड़ेंगे, फिर टी ओ, फिर वन बॉक्स, ठीक है। और जब आपको पता है ओ, वन वन सिंगल नंबर होता है, तो हम उसको ओ के नीचे लिखते हैं, ठीक है। और जब टू डिजिट के नंबर आते हैं, तो उनको हम टेंस के नीचे लिखते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और टेबल भी आपको इसी फॉर्मेशन में लिखना है। तो टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा कितना आया था, टू टू ज़ा फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। टू थ्री ज़ा सिक्स, आई थिंक इस पेन से आपको लाइट दिखाई देगा, तो मुझे स्केच का यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपको वो अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। टू वन ज़ा टू, ठीक है, टू टू ज़ा फोर, ठीक है, यानी टू टाइम्स टू मतलब फोर, टू टाइम्स थ्री टाइम टू इज सिक्स, ठीक है, फोर टाइम टू इज एट, मतलब टू को अगर फोर टाइम लिखेंगे तो एट आएगा, ठीक है। और
फाइव टाइम टू इज 10। अब देखिए 2 डिजिट आ गया, तो हमने 1 को T के नीचे लिखा है और 0 को O के नीचे, ठीक है। अब 2 टाइम 6 टाइम 2 इज इक्वल टू 12, 2 6 12, यहाँ पर देखिए 12 आया था ना, इसी तरह से। अब 7 टाइम 2, अगर हम 2 को 7 टाइम्स ऐड करते हैं इस तरह से, तो हमारे पास आता है 14, ठीक है। फिर 8 टाइम 2 इज 16, अगर हम 2 को 8 टाइम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे इस तरह से लंबी कैलकुलेशन में, तो हमारे पास आता है 16। उसी तरह से 2 नाइन जा, यानी कि 9 टाइम 2 इज 18। अगर हम ऐसे 2 2 के सेट बना के उनको 9 टाइम ऐड करेंगे, 9 टाइम उनका एडिशन करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 18, ठीक है। और इसी तरह से 2 टेनजा, यानी कि 10 10 टाइम 2, अगर 2 को हम 10 बार ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 2 टेनजा 20, ठीक है। ये आपका 2 का टेबल है। अब आप इसको लर्न कैसे करेंगे या आप इसकी रीडिंग कैसे करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 सेवन ज़ा 14, 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन ज़ा 18, 2 टेन ज़ा 20, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपको ये टेबल करना है, और ये मैंने आपको एक समझाने के लिए रिपीटेड एडिशन बताया, ठीक है। तो आपको इस लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इस टेबल का यूज़ करते हैं, कि हमें लंबी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, और हम टेबल का यूज़ करके उस कैलकुलेशन को कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।